हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले एरर दिखा देता हूँ, कुड नॉट कनेक्ट का जो एरर आ रहा है मेरे पास ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस सेटिंग में। अगर मैं जाता हूँ विंडोज के सर्च बार में जाके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं ऐड ब्लूटूथ का ऑप्शन करता हूँ यहाँ पर, तो कुड नॉट कनेक्ट का यहाँ पर एरर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ का डिवाइस है ही नहीं। आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। तो कैसे इस इशू को ट्रबल शूट करना है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, और इस इशू को रिजॉल्व करके हम देखेंगे इसके बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने विंडोज की सर्विस देखनी होती है ब्लूटूथ की, तो आपको सर्विसेज में जाना होता है। यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना आपको सर्विसेज लिख के, और इसको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ये विंडो ओपन हो गई, यहाँ से बी ब्लूटूथ से रिलेटेड सर्विस आपने देखनी है। देख सकते हो आप, पहली सर्विस हमने देखनी है ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे सर्विस। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, और जो इसका स्टार्टअप टाइप है ऑटोमेटिक कर देना है। मेरे केस में ऑटोमेटिक है, स्टार्ट कर देना है, अप्लाई, ओके। उसके बाद ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस, इसको भी यहाँ पर राइट क्लिक करके अब प्रॉपर्टीज पे जाके इसका मैनुअल टाइप से करके आपको ऑटोमेटिक कर देना, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद यूजर सपोर्ट सर्विस है, इस पर भी आपने इसको स्टार्टअप टाइप एज इट इज रहने देना आपको, और स्टार्ट करके अप्लाई ओके कर देना। ये तीनों देख सकते हैं आप रनिंग में या इनका स्टेटस, तो आपको भी मेक श्योर करना रनिंग है। अगर ऑलरेडी रनिंग है तो एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। इससे क्या होगा, सारी सेटिंग्स से रिफ्रेश हो जाएगी एक बार। मेरे केस में ये रीस्टार्ट मेरे को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, रीस्टार्ट करता हूँ मैं इसको, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। हम बेसिक स्टेप से लेके एडवांस स्टेप पे लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको इसका ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखता हूँ मैं एक बार इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आप विंडोज 10 में भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। दोबारा मैं जाता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से दोबारा से सेम एरर है मेरे पास, ऑन ऑफ का बटन है ही नहीं। तो इस केस में हमने क्या करना, अब हमें डिवाइस मैनेजर में जाना है, इसका ड्राइवर हमने देखना वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो इस केस में कई बार ये डिसेबल या फिर व्यू में जाके हिडन शो हिडन डिवाइसेस करना आपको, क्योंकि कई बार ये हाइड हो जाता है और शो हिडन डिवाइस अभी भी नहीं आया, आप देख सकते हो। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, इसका हार्डवेयर हमें ऐड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, ओके। तो आपने एक्शन में जाना है, पहला आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो आपका कंप्यूटर नेम होगा, एक्शन ऐड लेगेसी हार्डवेयर, नेक्स्ट इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैनुअली सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट एडवांस, नेक्स्ट क्लिक करना आपको, और यहाँ से नेटवर्क अडॉप्टर्स पे जाना आपको, ये देख सकते हो आप, नेक्स्ट। और उसके बाद ये रिट्रीव कर रहा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ से आप मैन्युफैक्चरर, यहाँ से ड्राइवर देखना है, और आपको यहाँ से देखना है ब्लूटूथ की कोई सर्विस तो नहीं है यहाँ पर इसमें, यही उसका ड्राइवर होगा, आप देखना आपको केयरफुली। और कोई भी सर्विस अगर ब्लूटूथ से मिलती है हमें, हम यही उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है इसके पास ऑप्शन, वाईफाई का है, ब्लूटूथ का ऑप्शन इसमें देख लेते हैं एक बार, ओके। बेसिकली आपको ये माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाएगा यहाँ पर, चलिए एक बार देखते हैं इसको, ज़्यादातर नहीं मिला यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। रियल टेक में तो ऑडियो का ड्राइवर होता है, बट आप एक बार चेक कर लेना आपको, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आया नहीं मेरे पास। अगर आया आपके पास यहाँ से, तो नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर देना। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे यहाँ से ड्राइवर, आपको डिवाइस मैनेजर में उसका ड्राइवर दिख जाएगा। अगर आपको ड्राइवर दिख गया डिवाइस मैनेजर में, तो आपने राइट क्लिक करना उस पर और अपडेट ड्राइवर कर देना, नेट से कनेक्ट करके रखना आपको, और इसको क्लोज कर देना है, ओके। अगर अभी भी सॉल्व नहीं होता आपका इशू, आपने क्या करना, अब हमने यहाँ पर विंडोज की ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल करना है, इसका जो ब्लूटूथ का ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करना है, ओके। तो सबसे पहले हम इंटेल का ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल करेंगे,
आपको सर्च बार में यहाँ पर लिखना है इंटेल ब्लूटूथ ड्राइवर फॉर विंडोज 11। मैंने ऑलरेडी सर्च करके इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल कर रखा है। पहले लिंक पर चले जाना आपको, और यहाँ से आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से 64 बिट के लिए है, विंडो 10 11 के लिए, 32 के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट। तो इस तरीके से डाउनलोड होगा, यहाँ पर शो इन फोल्डर करता हूँ मैं इस पर क्लिक करके। यहाँ से मैं इसको कट करके और डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और डेस्कटॉप पे रख दिया मैंने। रिप्लेस कर देता हूँ मैं, पहले मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपने इस ड्राइवर को अब इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करना आपको सिंपली इस पे, और थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ से। ड्राइवर का इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। नेक्स्ट करना है यहाँ से आपको। और नेक्स्ट करना है। ओके, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है यहाँ पर इंटेल ब्लूटूथ का ड्राइवर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको एक बार हम रिपेयर पर लगा देता हूँ मैं। आपको यहाँ से कंप्लीट पर सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देना है। एक बार रिपेयर कर देते हैं इसको, रिपेयर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसको कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। ओके, यहाँ से फिनिश कर देने। अब फिनिश करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। ओके, यहाँ से रीस्टार्ट करना आपको, और आपका इश्यू यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका इश्यू यहाँ से भी फिक्स नहीं होता दोस्तों, तो हमने मैन्युफैक्चरर ड्राइवर पर चले जाना इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है डेल ड्राइवर डाउनलोड, और पहले लिंक पर आपने चले जाना है, यहाँ पर इस वाले लिंक पे। अगर आप एचपी यूज कर रहे होंगे तो एचपी ड्राइवर डाउनलोड ये। ओके, और आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डालना सिस्टम का, यहाँ से नेक्स्ट करना है इसको। ओके, एक बार में सीरियल नंबर इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया ये, बट फिर भी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ उसको, सर्च करता हूँ यहाँ से। और मैन्युअली इंस्टॉल सीरियल नंबर कैसे निकालना आपको मैं कमांड के थ्रू आपको बता देता हूँ। WMIC ओके स्पेस बायोस स्पेस गेट स्पेस सीरियल, और नंबर साथ में लिखना आपको। जैसे एंटर करेंगे आप, सीरियल नंबर आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। कॉपी करना है इसको डायरेक्टली, और यहाँ पर पेस्ट कर देना आपको। ओके, तो ये इसका ड्राइवर है, यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ वायरलेस, इस पे आपने टिक करना है, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। ओके, डाउनलोड आप जैसे ही करेंगे, जैसे इंटेल का यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर, उसी तरीके से आपने इस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपका इश्यू फिक्स हो जाएगा। तो मैं एक बार रीस्टार्ट मारता हूँ अपना सिस्टम, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इश्यू फिक्स हुआ या नहीं हुआ। मैं इंटेल का ये ड्राइवर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने रीस्टार्ट कर लिया अपना सिस्टम। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, मेरा एरर यहाँ से फिक्स हो जाना चाहिए अब। ओके, अभी भी यहाँ पर सेम एरर है मेरे पास। ओके, तो रीस्टार्ट करने के बाद भी यहाँ से ये एरर फिक्स नहीं हुआ, तो मैं एक बार मैन्युफैक्चरर ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इस वाले ड्राइवर को।
आप देख सकते हो इंटेल का मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार मैन्युफैक्चरर ड्राइवर को यहाँ से ट्राई करता हूँ इंस्टॉल करने का। और इसी को हम ट्राई करेंगे यहाँ पर, इसको डाउनलोड करता हूँ मैं। और शो इन फोल्डर करता हूं मैं। इसको कट करता हूं मैं यहां से और इसको ले आता हूं मैं। डेस्कटॉप पे और इसको अब रन करता हूं मैं यहां पर मैन्युफैक्चरर ड्राइवर को इंस्टॉल करता हूँ उसको। नेक्स्ट इंस्टॉल। थोड़ा सा वेट करते हैं, अपने आप लोड होगा यहाँ से। हाँ ओके, फिनिश पे क्लिक करना आपको। और यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय सिस्टम नाउ, तो फिनिश कर देना आपको, उस पर रीस्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो मैंने यहाँ से रीस्टार्ट कर लिया दोस्तों अपना सिस्टम। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अपडेट पे चला गया था मेरा सिस्टम। तो आपको ये मेक श्योर करना कि आपको अपडेट भी करना अपना सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन मेरे पास आ चुका है और मैं ऐड भी कर रहा हूँ यहाँ पर डिवाइस, तो ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। ओके, तो आपको विंडोज अपडेट का भी ध्यान रखना है। कई बार विंडोज अपडेट की वजह से भी काफ़ी एरर्स आते हैं, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है आपको। तो अभी भी यहाँ पर ये चेक फॉर एक और अपडेट आ गया मेरे पास, तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे अपडेट आपके डन हो। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपका इशू फिक्स हो गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।